हम भी देखने जा रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है, हमने से पहले देखा था कि हब की कितनी टाइप्स हैं। जब हमने ब्रीफ ओवरव्यू किया कि भाई कनेक्टिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, तो उनमें हब है, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक आई सेड बिफोर कि डीसीसीएन के कोर्स में हम इनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे, टच बेस करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। और राउटिंग स्विचिंग के कोर्स में हम इसको इन डेप्थ जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशंस और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ते हैं। तो व्हाट इज हब, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स, ठीक है? क्योंकि हब वो पहली डिवाइस है जो कि स्टार टोपोलॉजी जब बनी, यानी एक तरह की बिल्कुल एक नई इन्वेंशन थी। एक उससे पहले बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में काम चल रहा था, या मैश टोपोलॉजी यूज हो रही थी। तो एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं नेटवर्क्स में, जब हब आया तो एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन था, क्योंकि कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल कंट्रोलर के जरिए आपस में कनेक्ट करना, ये किया जा रहा था। तो हम देखते हैं कि भाई हब को हमने पहले देखा कि भाई हब की डिफरेंट टाइप्स हैं। पैसिव हब है, एक्टिव हब है, हब क्या काम करता है, बेसिक फंक्शन क्या है इसका। और हम देखते हैं कि हब काम किस तरह करता है, क्या वजह है कि हब ऑब्सोलीट हो गया। कुछ साल तो चला और उसके बाद फिर वो ऑब्सोलीट हो गया, उसको स्विच ने रिप्लेस कर दिया जो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो किस तरह से हब काम करता है? हब इज अ कोलिजन पॉइंट। इन पॉइंट्स पे जाने से पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको वैसे समझा दूं कि हब, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं एक हब बनाता हूँ यहाँ पर, एक जेनेरिक डायग्राम बनाता हूँ, इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये एक हब है आपके पास, ठीक है? अच्छा, हब में लेट्स सपोज कि ये चार पोर्ट्स का हब है, और चार पोर्ट्स जो हैं इनमें चार कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, ठीक है? मैंने चार पोर्ट्स बना लिए, इस तरह से मैं शो कर रहा हूँ कि ये एक हब है जिसकी चार पोर्ट्स हैं, और चार पोर्ट्स पे चार कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, ठीक है? तो हम इसको यहाँ पर साथ साथ बना भी लेते हैं ताकि समझने में भी आसानी हो जाएगी, और मैं चार कंप्यूटर्स को यहाँ पर लगा भी देता हूँ। लेट सपोज कि ये एक पहला कंप्यूटर है जो कि इस हब के साथ अटैच्ड है, फिर ये दूसरा कंप्यूटर जो इस हब के साथ अटैच्ड है, और एक और कंप्यूटर लगा देते हैं, चार लगा दें, तीन कंप्यूटर्स लगा दें, जितने भी आपने लगाने, चीज़ समझ में आनी चाहिए बस। फिर मैंने चार कंप्यूटर्स यहाँ ज्वाइन कर दिए हब के साथ, मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है? लेट सपोज कि ये जो कंप्यूटर्स हैं चार, इनके ये कंप्यूटर है ए, और इसको भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, से 14 पे ले आते हैं। तो ये कंप्यूटर है ए, इसी तरह जो दूसरा कंप्यूटर है उसको हम बी कह देते हैं, तो ये बी हो जाएगा ये, ठीक है? ये सी कंप्यूटर है, और दूसरा आखिरी जो फोर्थ कंप्यूटर है ये टी कंप्यूटर कह देते हैं, टी हो जाएगा ये, ठीक। चार कंप्यूटर्स हैं, चारों में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, कोई ना कोई इनका आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस होगा, और ये बीच वाली जो डिवाइस है ये हब है ये। तो हब कैसे काम करता है कि लेट सपोज आपके ये जो कंप्यूटर ए है, इसने डेटा सेंड करना है कंप्यूटर डी को, ठीक है? यानी कोई फाइल है जो कि इसने कॉपी करनी है, इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर पे कॉपी करनी है, सेंड करनी है, ठीक है? बिल्कुल वैसे जैसे आपके नेटवर्क पे बैठे हुए अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में लेक्चर्स का जो फोल्डर है आपका, वहाँ से आप अपने पास चीज़ें कॉपी करते हैं,
तो लेक्चर्स का फोल्डर जो है वो किसी सर्वर पे पड़ा हुआ है, वो एक मशीन है, और आप अपनी मशीन पर उसको कॉपी करते हैं चीज़ें, नेटवर्क के थ्रू वो आपके कंप्यूटर में कॉपी हो जाता है। ठीक, तो इसने एक फाइल सेंड करनी है कंप्यूटर डी को। अच्छा, तो जब लेट्स सपोज कि 10 MB की वो फाइल है, तो डेटा इस कंप्यूटर से निकल कर, यानी डेटा जो है वो इस कंप्यूटर से निकलेगा और इस पोर्ट पे आएगा। सबसे पहले ये वाली जो पोर्ट है, ये इस पोर्ट पे आएगा डेटा, यहाँ से कंप्यूटर से निकलेगा और इस पोर्ट पर आएगा। ठीक है, अच्छा, हब किस तरह से काम करता है, क्योंकि हब जो है वो कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, ये एक सिंपल कनेक्टिंग डिवाइस है, ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रही है। तो हब की जो पोर्ट्स हैं, चार पोर्ट्स हैं, पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी आप इसके नाम दे दें, ये चार पोर्ट्स हैं जिसपे चार कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं। तो ए ने अगर डी को डेटा सेंड करना है, तो डेटा ए के कंप्यूटर से निकल के उस पोर्ट पर आएगा पहले जिसपे ये कंप्यूटर कनेक्टेड है। जब ये डेटा इस पोर्ट पर आएगा, तो हब के लिए सिंपल ये सिग्नल्स है कुछ, जो कि उसकी पोर्ट पर आके टकराए हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, क्योंकि हब जो है नहीं जानता, ये इसके पास ना कोई iOS है, ना सॉफ्टवेयर, कुछ भी नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है ऐसी। तो इसको तो सिर्फ ये सिखाया गया है, इसका जो हार्डवेयर है उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि भाई जब भी कोई सिग्नल तुम्हारे पास पोर्ट पर आए, तो तुमने सिर्फ ये करना है कि उसको फॉरवर्ड कर देना, हर एक को इधर भी फेंक दो, इसको इसको भी दे दो, यानी आपने हर एक आपको सिर्फ ये सिखाया गया है कि जब भी तुम्हारे पोर्ट पे कोई चीज़ आए तो सबको दे दो, बांट दो, तो हर पोर्ट पे डेटा सेंड कर दो, ये डेटा हर पोर्ट पे सेंड हो जाएगा। यानी ए ने डेटा डी को देना था, हब के पास पहुंचा, हब को ये पता है कि मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ सिग्नल्स आए हैं, वो नहीं जानता कि सिग्नल्स क्या है, क्योंकि ना उसको मैक एड्रेस का कुछ आइडिया है, ना आईपी एड्रेस का कुछ पता है। तो उसको सिर्फ ये सिखाया गया कि जब भी कोई चीज़ आए, तुमने उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है और वो हर कंप्यूटर हर पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देनी है। इस चीज़ को कहते हैं फ्लडिंग, क्योंकि हब क्या करता है, हब फ्लडिंग करता है, हब फ्लड्स द डेटा। ठीक है भाई, हब जो वो करता है फ्लडिंग करता है डेटा की। तो अब ये जो प्रोसेस है कि जिसमें जब भी डेटा आएगा उसके पास, वो हर पोर्ट पे इसको फॉरवर्ड कर देगा, यानी फ्लडिंग कर देगा, बिल्कुल इसी तरह हब काम करता है। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये कि अगर डेटा डी के लिए था तो बाकी दो कंप्यूटर्स तो उसको इग्नोर कर देंगे, बी के पास जाएगा, बी कहेगा कि भाई ये मेरा तो डेटा नहीं है, इस पे मेरा एड्रेस तो नहीं गिवन है, डी के पास आएगा, डी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो डेटा अल्टीमेटली डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन उस दौरान डेटा बी के पास भी गया और सी के पास भी गया। लेकिन दिस इज हाउ हब वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि डेटा की फ्लडिंग इसका काम है। बी ने कोई डेटा सी को भेजना है, बी से डेटा निकल के बी वाली पोर्ट पर आएगा और उसके बाद वो उसकी कॉपीज बनाएगा, इधर भी फेंकेगा, इधर भी और इधर भी, अल्टीमेटली वो डेटा सी को मिल तो जाएगा, लेकिन उस दौरान ए को भी मिलेगा और डी को भी मिलेगा, ए और डी उस डेटा को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई, व्हेन अ कंप्यूटर सेंड्स अ डेटा टू अनदर कंप्यूटर इट पैसेस थ्रू हब। ठीक है भाई, हब क्या करता है कि इट विल सेंड द डेटा टू ऑल द रिमेनिंग पोर्ट्स एक्सेप्ट द वन इट केम फ्रॉम। जाहिर है कि जहाँ इस पोर्ट पे डेटा आया है, बाहर से जो भी डेटा आएगा, जहन में रखें, बाहर से जो भी डेटा आएगा, तो हब ने उसको रिमेनिंग पोर्ट पे फेंकना है, वापस उस पोर्ट पे नहीं कि जहां पर आया था उसी पोर्ट पे वापस फेंक दे, ये काम नहीं करता हब। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इफ फोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू फोर पोर्ट्स ऑन द हब, फर्स्ट कंप्यूटर सेंड्स 10 MB फाइल टू अनदर कंप्यूटर, इट रीचेस द हब ऑन वन पोर्ट। ठीक है, एक पोर्ट पे आएगा, हब विल मेक 3 कॉपीज of the data and send it to the remaining 3 ports. यही काम जो हमने यहाँ पर अभी सीखा है। इसकी वजह से ये हब की सिंपल इसकी वर्किंग है, कि ये हब बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है इसका, कि हब इस तरह से काम करता है। और शुरू में जब हब बना, तो ऑब्वियसली लाइक आई सेड बिफोर कि इट वाज अ रेवोल्यूशन, कि शुरू में
मैश टोपोलॉजीज और वो इतने सारे केबल्स यूज हो रहे हैं, या रिंग में था, या बस टोपोलॉजी यूज होती थी काफी, तो उसके भी कई इश्यूज थे। ये बड़ा सिंपल सा काम था, ये इसकी केबल्स बनाना भी बड़ी आसान होती हैं। स्टार टोपोलॉजी में RJ45 वगैरह जो है उनकी केबल्स बनाना भी बहुत आसान होती हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहा हब, और कई साल हब ने मार्केट अपनी कैप्चर करके रखी नेटवर्क्स में। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर जिस तरह से ये काम कर रही है तो आपने देख लिया, लेकिन इससे फिर कुछ इश्यूज क्रिएट हुए, कुछ ड्रॉबैक्स निकले हब के, जो कि बाद में फिर ज़ाहिर जब तक कोई नई चीज़ नहीं आती तो वही चीज़ सबसे बेस्ट होती है। तो अब वो ड्रॉबैक्स क्या थे अगर हम इन्हीं चीज़ों को देखें, तो सबसे पहला ड्रॉबैक अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी में समझ में आ जाएगा आपको, कि जब कंप्यूटर ए ने डेटा सेंड किया 10 MB की फाइल और वो कंप्यूटर डी को जानी थी, जब वो इस पोर्ट पे आई तो हब उसको फ्लड कर रहा है, यानी 10-10 MB की फाइलें बना बना के बाकी तीनों को भी दे रहा है। तो 10 MB का डेटा था और वो हब ने उसको कन्वर्ट कर दिया 30 MB में, क्योंकि 10 MB डी को जाना था, वो 10 MB इधर भी गया, 10 MB इधर भी गया, 3 times डेटा बढ़ गया। तो इसका मतलब हुआ कि ड्रॉबैक्स में जो सबसे पहला ड्रॉबैक है हब का, वो ये है कि हब जनरेट्स अननेसेसरी ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क बाय मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डेटा। खामा खा बना, अगर 8 ports हैं तो आपको सोचें कि 8 port पे डेटा जाएगा, ठीक है, खामा खा उसने मल्टीपल कॉपीज बनाई उसकी, 10 MB के वो ट्रैफिक जनरेट कर रहा है एक्स्ट्रा नेटवर्क पे, 10 MB इधर दे रहा है, 10 MB उधर, 10 MB उधर, तो 80 MB दे देगा अगर 8 ports होगी तो। और अगर ये हब किसी और हब के साथ कनेक्टेड है तो वो ट्रैफिक उस केबल में भी जाएगा। तो अननेसेसरी ट्रैफिक ये हब जनरेट कर रहा है एक बात, और हब स्लो भी होते थे इसलिए, क्योंकि जब भी कोई ट्रैफिक आ रहा है तो ज़ाहिर है वो हर पोर्ट में इन्वॉल्व हो रही है। सिंपल, ये इस पोर्ट पे ट्रैफिक आया है और वो इस पोर्ट पे जाना है तो डायरेक्ट चला जाए, नहीं, वो इस केबल में भी जाएगा, वो इस केबल के थ्रू इधर भी जाएगा, वो उसके, तो हर ट्रैफिक पे चाहे किसी ने भी भेजा हो, तमाम पोर्ट्स एक साथ काम कर रही है, इन्वॉल्व हो रही है, ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, हर पोर्ट पे ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो हब का यही है कि भाई वो ट्रैफिक जनरेट करता है, ठीक है, ये उसका एक ड्रॉबैक है। अच्छा, फिर आप मज़ीद अगर आप इसमें गौर करें तो ए ने डेटा डी को सेंड करना है, तो जब इस पोर्ट पे पहुंचा, लाइक आई सेड बिफोर, कि हब विल फ्लड द डेटा एंड इट सेंड्स द डेटा टू ऑल द रिमेनिंग पोर्ट्स, तो ट्रैफिक तो जनरेट हुआ, लेकिन साथ में जाहिर है कि यार डेटा ए ने डी को देना था और वो बी के पास भी जा रहा है, वो सी के पास भी जा रहा है, ये अलग बात है कि बी और सी उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है कि जो कि अपने पास मॉनिटरिंग टूल्स लगा के बैठा हुआ है, जो कि डेटा को रीड करे या डेटा को ग्रैब कर ले, जब डेटा उस कंप्यूटर तक पहुँच रहा है, तो अगर यहाँ कोई आईटी का ऐसा बंदा बैठा हुआ है कि जो कि जिसका करप्ट माइंड है, तो वो उस डेटा को रीड भी कर सकता है, तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। हब सिक्योर डिवाइस नहीं होती, इसीलिए हब आज के दौर में कंपनीज में नहीं लगाए जाते। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आईटी का जो ऑडिट है वही फेल हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि आईटी का जो ऑडिट है सिक्योरिटी का, वो सबसे पहले तो ये देखेगा कि आपके एनवायरनमेंट में हब ना लगे हुए हो, क्योंकि हब आपके डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। उसी नेटवर्क में बैठा हुआ कोई भी शख्स तक अगर वो उसके कंप्यूटर तक डेटा आ रहा है, तो इट मीन्स कि ही कैन रीड द डेटा, ही कैन मॉनिटर द डेटा, ठीक है भाई। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है हब में, और ये था क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि हब को तो कोई बात समझ में नहीं आती, उसको तो सिर्फ ये समझ में आता है कि बस जो मेरे पास आए मैंने उसका ऐलान कर देना, सबको बता देना, ठीक है। मतलब हब इतना अच्छा आदमी नहीं है, उस एक जो होता है ना कि अच्छा दोस्त आपका, कि आप उसको कोई चीज़ बताएं वो सबको ना बताएं, ये आपका वो दोस्त है कि जो जो आपकी बात सब तक पहुँचा देता है, भाई अच्छा दोस्त नहीं है। तो
दो ड्रॉबैक्स तो हब के साफ साफ नजर आ रहे हैं, दूसरा भी ये लिखा हुआ होगा यहाँ पर, डेटा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है इसमें, ठीक है। अच्छा तीसरी चीज भी देख लेते हैं भाई, हब के, हब के एक और तीसरा ड्रॉबैक है ये कि हब की जो नॉर्मली जो पोर्ट्स होती हैं, हब की जो पोर्ट्स हैं ये वाली, ये हाफ डुप्लेक्स होती हैं, ठीक है। अब अगर ये पोर्ट हाफ डुप्लेक्स हैं तो हाफ डुप्लेक्स आपने पहले भी देखा था कि हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि डेटा इस, ये ऐसा दरवाजा है कि जिसमें एक वक्त में अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। आना जाना तो है हाफ डुप्लेक्स में, लेकिन एक वक्त में एक अंदर आएगा और एक बाहर जाएगा। जब कोई शख्स अंदर आ रहा होगा तो अंदर से बाहर जाने वाले शख्स को वेट करना पड़ेगा, या बाहर कोई जा रहा होगा तो फिर अंदर आने वाले शख्स को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो पोर्ट्स हैं ये हाफ डुप्लेक्स होती हैं। ए ने डेटा डी को सेंड किया, डेटा इस कंप्यूटर से निकल के इस पोर्ट पे पहुंचा और इसने उसको फ्लडिंग कर दी। अब इत्तेफाक से वो डेटा, वो इधर भी गया, इधर भी गया और डी के पास भी आया। इत्तेफाक से डी ने भी कोई डेटा सेंड किया था और वो बी को करना था या जिसको भी किया था, तो वो डेटा जब इधर पहुंचा तो इस यहाँ से भी फ्लडिंग हुई, ट्रैफिक जनरेट हो रहा है मुस्तकिल। अब ए ने जिस टाइम डेटा सेंड किया बिल्कुल उसी टाइम डी ने डेटा सेंड किया था, और दोनों की फ्लडिंग की वजह से ए का डेटा इधर आया, डी का डेटा इधर पहुंचा। लेकिन टाइमिंग कुछ इस तरह की थी कि भाई जब ए का डेटा इस पोर्ट पर आया तो उसी टाइम डी का डेटा भी उस पोर्ट पर आ गया, दोनों आमने सामने आ गए। जब आमने सामने आ जाएंगे तो जाहिर है ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ये कोई इंसान तो नहीं है कि एक दूसरे को जगह दे देंगे कि भाई तुम आ रहे हो, अच्छा भाई तुम आ जाओ मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ तुम्हारा, ऐसा तो नहीं होगा। जब आमने सामने हो जाएंगे दो डेटा के, यानी डेटा के जो सिग्नल्स हैं जब एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली हेड ऑन कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो फिर डेटा को रीसेंड करना पड़ेगा, ठीक है। GCCN में आप ये चीज़ डिटेल से पढ़ते भी हैं बाद में डेटा लिंक लेयर के टॉपिक में कि किस तरह से ये कंप्यूटर को पता चलता है। एनीवेज जब कोलिजन होगा, जब आमने सामने आने वाली दोनों गाड़ियाँ इतनी स्पीड में आके टकराएंगी तो जाहिर है वो जो डेटा है वो डैमेज हो जाएगा, गाड़ियाँ तो तबाह हो जाएंगी। जब डेटा डैमेज हो जाएगा तो इन कंप्यूटर्स को डेटा दोबारा भेजना पड़ेगा, जितनी दफ़ा डैमेज होगा उतनी दफ़ा भेजना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। एक तो ट्रैफिक वैसे ही जनरेट कर रहा है अब, जिससे परफॉर्मेंस ओवरऑल नेटवर्क की स्लो होगी, प्लस ये कोलिजन्स की वजह से टाइम कितना वेस्ट होगा। अगर 1 MB की फाइल है, और 1 MB का मतलब है कि 1 MB, 1 million bytes, यानी 10 lakh bytes, 80 lakh bits, 80 lakh इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, तो सिर्फ 1 MB की फाइल में 88 million डेटा के सिग्नल्स हैं, उनमें कुछ नहीं तो 10,000 तो कोलाइड होते ही होंगे, अगर हब है तो उतने तो इससे ज़्यादा ही हैं, कम भी हो सकते हैं। जितने सिग्नल्स, जितना डेटा भी कोलाइड होगा उतना रीसेंड होगा, जब रीसेंड होगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए हब को कोलिजन पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि पोर्ट्स हाफ डुप्लेक्स होती हैं, ठीक है। ये बात जहन में रखिए कि हब को कोलिजन पॉइंट इसलिए नहीं कहा जाता कि हब के अंदर, हब कोई डब्बा है जिसके अंदर जो है वो बॉक्स के अंदर बस डेट पैकेट्स आपस में या सिग्नल्स आपस में टकरा रहे हैं, नहीं भाई, इनकी पोर्ट्स हाफ डुप्लेक्स होती हैं। तो पोर्ट पे कोलिजन होगा जब डेटा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ रहा होगा, और उस कोलिजन की वजह से डेटा को रीसेंड करना पड़ेगा, जिससे टाइम काफ़ी खर्च होगा। और ज़ाहिर है एक फाइल कॉपी होनी थी 1 मिनट में, वो 2 मिनट भी ले सकती है अगर कोलिजन ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये तीसरा ड्रॉबैक है हब का, देख सकते हैं पोर्ट्स आर हाफ डुप्लेक्स देयरफॉर कोलिजंस अकर, इसीलिए हब को कोलिजन पॉइंट कहा जाता है। और ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हब लगे हों उसको कोलिजन डोमेन भी कहा जाता है, क्योंकि मुस्तकिल कोलिजंस होते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हब लगा हो उसको कोलिजन डोमेन कहा जाता है, ये कोलिजन पॉइंट है क्योंकि इसमें कोलिजंस हो रहे हैं। ध्यान में रखें कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें मैं एक और हब ले आता हूँ छोटा सा खरीद के, थोड़ा सा नेटवर्क मेरा बड़ा तो मैं एक और हब खरीद के ले आया,
और मैंने उस हब के साथ भी एक आध दो कंप्यूटर्स लगा दिए हैं ऐसे, मैं ज़्यादा नहीं लगा रहा, तो एक कंप्यूटर मैंने इसके साथ लगा दिया यहाँ पर, ठीक है भाई, एक कंप्यूटर इसके साथ लगा दिया, एक और लगा देता हूँ इसके साथ, एक कंप्यूटर और सबके साथ। अच्छा भाई, इसके साथ भी मैंने फिर एक कंप्यूटर लगाया, दो कंप्यूटर्स मैंने दो हफ्ते साथ लगा दी, तो मेरा जो कोलिजन डोमेन है वो बड़ा हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया ना, क्योंकि मैंने इन दोनों हब्स को भी आपस में कनेक्ट कर दिया, फिर तो ये दोनों हब्स भी आपस में कनेक्ट हो गए, तो एक दो तीन चार पांचवी पोर्ट मैंने इनकी इस पे लगा दी, इसकी पांचवी पोर्ट हो गई, इसकी तीसरी हो जाएगी, ये दोनों हब्स भी आपस में कनेक्ट हो गए, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ गया, बड़ा हो गया नेटवर्क, ठीक है। ए बी सी डी, लेट सपोज ये कंप्यूटर ई है, कंप्यूटर एफ है, हर कंप्यूटर के मुख्तलिफ मैक एड्रेसेस और आई पी एड्रेसेस हैं, क्या होगा, कंप्यूटर बढ़ाने हब की तादाद बढ़ाने से क्या नेटवर्क बेहतर हो जाएगा, हब ऐसा एनवायरनमेंट जो कोलिजन एनवायरनमेंट है जिसमें हब्स लगे हुए हैं, तो हब्स बढ़ाने से क्या नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, ये एक सवाल बनता है ये, ठीक है, और इसके आंसर अब आपके आपको अपने जहनों में सोचना चाहिए, और जाहिर है अब मैं बता भी दूंगा आपके इसका आंसर कि मजीद नेट मैं हब बढ़ा रहा हूँ, तो बाहर ऐसा तो लगेगा कि यार मैं मेरे पास ज़्यादा कंप्यूटर्स थे तो मैंने एक और हब लगा लिया तो मेरा नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, नहीं भाई, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। अगर इस कंप्यूटर ने डेटा डी को सेंड करना था वो बिल्कुल उसी तरह करेगा, जब डेटा इधर पहुंचेगा तो ये इसको फ्लड करेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और इस बार ये डेटा यहाँ से निकलकर इस पोर्ट पे भी आएगा, ये वाली जो पोर्ट है इस पे भी तो जाएगा क्योंकि फ्लडिंग हो रही है, इस पोर्ट पे आएगा और फिर वो इस पोर्ट से होता हुआ इस पोर्ट पर आएगा डेटा, और जब इस पोर्ट पे पहुंचेगा तो बाहर से सिग्नल्स आए हब के लिए तो बिल्कुल वैसे ही है कि चाहे वो कोई कंप्यूटर सिग्नल्स भेजे या कोई और डिवाइस भेजे, उसके पास तो बाहर से कोई चीज़ आई है, और जब बाहर से पोर्ट पे कुछ सिग्नल्स आते हैं तो हब तो वही करता है जो उसको सिखाया गया बचपन से कि भाई जब भी तुम्हें कोई चीज़ पता चले तुमने उसको अपने तक नहीं रखना बल्कि दुनिया को बता देना है, तो मैं भी अब इसको दुनिया को बताऊंगा, ये अब यही कहेगा भाई ये इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा इसको, इधर भी भेज देगा इसको, ठीक है। तो एक डेटा जो सिर्फ ए ने डी को भेजना था अपने ही हब के साथ लगे हुए को, उसका डेटा आप देखें कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, अगर मैं यहाँ चार पांच हब और लगा दूँ, हर फ्लोर पांच फ्लोर्स हैं और हब लगे हुए, तो पांचवी फ्लोर का अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कोई बात करना चाह रहा है और हब वाला एनवायरनमेंट है, हब का एनवायरनमेंट है, वो डेटा ए से बी नहीं जाएगा, वो हर एक के पास ग्राउंड फ्लोर तक सबके पास जाएगा, ये अलग बात है कि वो कंप्यूटर से उसको इग्नोर कर दें लेकिन सिक्योरिटी कितनी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, कोलिजन पॉइंट्स कितने ज़्यादा बढ़ गए, पहले कोलिजन पॉइंट सिर्फ ये था डेटा जब यहाँ से निकलेगा और उस टाइम पे अगर कोई डेटा इधर आ गया तो कोलिजन पॉइंट कोलाइड हो सकता है डेटा, हब बढ़ाने से कोलिजन पॉइंट ये एक और एक्स्ट्रा आ गया कि भाई यहाँ से जब डेटा बाहर जा रहा था तो अगर इत्तेफाक से उस वक्त यहाँ से कोई डेटा आ रहा हो तो भी कोलाइड कर सकता है, ठीक है, कोलिजन पॉइंट ये भी हो जाएगा, ये सब आप कोलिजन जितने हब्स बढ़ा दोगे उतने कोलिजन पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, कोलिजन पॉइंट्स बढ़ जाएंगे तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली कोलिजन्स ही बढ़ जाएंगे, और जब कोलिजन्स बढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि हर कोलिजन पे डेटा रीसेंड होता है, कंप्यूटर रीसेंड करता है डेटा को, तो जितने हब्स बढ़ाओगे कोलिजन डोमेन जितना बड़ा होगा उतना ही आपका नेटवर्क स्लो हो सकता है, हब में ये नुकसान है, इसका ड्रॉबैक है, ठीक है भाई। तो हब एनवायरनमेंट शुरू में तो बहुत अच्छा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और बड़ा फर्क था क्योंकि आज से अगर 25 साल पहले चले जाएं जब
हम लोगों ने नेटवर्क में काम शुरू किया था मैंने, तो हब भी इस्तेमाल बहुत होता था और बड़ा वाजे फ़र्क होता था। हब को अगर हम बदल के स्विच इसकी जगह रिप्लेस करते थे तो एकदम से स्पीड नेटवर्क की परफॉर्मेंस में बड़ा फ़र्क पड़ जाता था, बहुत अच्छी हो जाती थी। हब काफ़ी स्लो काम करता था, ज़ाहिर है उस वक्त तो हमें सिर्फ ये पता होता था कि बस हब कनेक्टिविटी तो दे रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत था उस वक्त, क्योंकि कंपैरिजन के लिए जब तक कोई चीज़ नहीं होगी हम को इसके ड्रॉबैक्स नहीं पता चलेंगे। जब कंपैरिजन के लिए एक और डिवाइस आ गई स्विच, तो हमें इसकी बुराइयां नज़र आने लगी, और जब इतनी ज़्यादा बुराइयां नज़र आईं तो फिर एक वक्त आया कि इसको सारी कंपनीज ने, जितनी भी कंपनी, उसने किक आउट कर दिया और उसको रिप्लेस कर दिया स्विच के साथ, क्योंकि स्विच वो डिवाइस है जिसने इसकी जितने ड्रॉबैक्स हैं उन सब का सोल्यूशन निकाल दिया था, और सब का सोल्यूशन स्विच के पास मौजूद है। तो हब की ये ड्रॉबैक्स हैं भाई, मेन जो उसके ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हब बाहर अल्टीमेटली ऑब्सोलीट हो गया। अब किसी कंपनी में आपको हब नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये हमने देखा इसमें कि हब में क्या इश्यूज हो सकते हैं, कोलिजन पॉइंट किसको कहते हैं, कोलिजन डोमेन क्या होता है, कोलिजन्स क्यों होते हैं, वो पोर्ट हाफ डुप्लेक्स होने की वजह से कोलिजन्स होते हैं। तो हम अभी यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा कि ये जो ड्रॉबैक्स हैं इनको स्विच ने कैसे ख़त्म किया, इनका सोल्यूशन स्विच के पास कैसे आया। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।